हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आज होने वाले मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल के मैच के बारे में, जिसका पूरा एनालिसिस रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके रखूंगा। इसके बारे में क्या क्या टॉपिक्स होंगे सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए एंड आपके जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना। सेकेंड चीज़, आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो भी टीम 11 जो भी बनाओगे प्लेइंग 11, उसके लिए आप पेन पेपर लेके बैठ जाना। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आपकी टीम बनाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी उसको रख के प्लेयर्स को चेंज करके ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में आप प्लेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल के मैच के बारे में जो भी हो रहा है उसका पूरा एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ग्राउंड की तरफ। आज मैच हो रहा है अबू धाबी में, तो वही पिच की कंडीशन है जैसे कि स्पिनर्स और स्पेसर्स को सपोर्ट मिलता है या फिर वो मदद मिल सकती है बॉलिंग के लिए कि फर्स्ट पावर प्ले में दोनों ही इनिंग्स में फर्स्ट एक या दो विकेट जाने के चांसेस होते हैं। बट जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग ने नॉट आउट रन करके वो अपना स्कोर कड़ा किया रिकॉर्ड किया है, तो उस तरीके से भी सिचुएशन हो सकती है। इट्स अ नॉट 100% प्रेडिक्शन, बट हर मैच में कुछ ना कुछ नया चेंज देखने को आपको मिल सकता है, तो आप वो सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करना। बट उसके अगेंस्ट में आपको बेस्ट टीम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके मस्ट पिक कौन हो सकते हैं, डिफरेंशियल पिक में आप किसको ले सकते हो, या फिर आपके रिस्की प्लेयर कौन से जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन में डाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री वाला रिकॉर्ड चेक करेंगे। 2019 में दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड हुआ था, जिसमें एक मैच में मुंबई इंडियंस ने 161 रन किए थे एंड उसको चेस करते हुए राजस्थान रॉयल ने 162 रन किए थे। सेम उसके बाद और एक मैच हुआ था जिसमें मुंबई इंडियंस ने 187 रन किए थे, उसको भी चेस किया राजस्थान रॉयल ने 188 रन किए थे। बट उस टाइम का लास्ट 2019 का जो मैच था उसका ग्राउंड अलग था, उसकी कंडीशंस अलग थी, वहाँ के प्लेयर्स प्लेइंग 11 अलग थे, तो जिसमें हर मैच में सबने परफॉर्मेंस किया उसमें से कुछ उभर कर आए हुए प्लेयर है। उसमें आते हैं संजू सैमसन, स्टीवन स्मिथ, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव एंड राहुल चहर एंड जोफ्रा अर्चर एंड श्रेयस गोपाल। ये जो प्लेयर्स है इन्होंने दोनों मैच में अपना कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिया है दोनों टीम के अगेंस्ट में, तो उसको आप ध्यान में रखना। और ये प्लेयर आपकी टीम में आप रखना है तो आप इन लोगों को थोड़ा सा इनके नाम आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। राजस्थान रॉयल की तरफ से अगर देखा जाए तो जॉस बटलर विकेट कीपिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, बट इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। जिस तरीके से शेन वॉटसन चल गए लास्ट मैच में, लगातार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट हो सकता है कि जॉस बटलर वो कमाल दिखा सकते हैं। संजू सैमसन की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, पहले लास्ट के दो मैच में वो काफ़ी बार लास्ट के दो मैच में फेल हुए, बट हो सकता है कि इस मैच में चल जाए। और एक प्लेयर है रॉबिन उत्तपा, जो टिक जाए तो भाई वो सेंचुरी भी मार सकता है, बट कुछ नहीं बोल सकते, अगर आउट हो गए तो जल्दी भी आउट हो सकते हैं। रॉबिन उत्तपा को भी आप जैसे बोलते हैं ना रिस्की प्लेयर, अगर जीएल में किसी को लेके चलना है तो एक टीम है भाई इसको कैप्टन बना के छोड़ दो या फिर वाइस कैप्टन बना के छोड़ दो, चल गया तो आपकी टीम पूरी दूर तक जाएगी। जिसको किसी ने कैप्टन नहीं बनाया होगा वो आपका कैप्टन हो सकता है, बट ये डिफरेंशियल टीम जो 10 टीम में आप बना सकते हो उसमें आप उसको लेके चल सकते हो। अगेंस्ट स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, अच्छे प्लेयर है अभी, जो अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंज नहीं आता ओपनिंग में वो जॉस बटलर के साथ स्टीवन स्मिथ आ सकते हैं। अगर इनकेस प्लेइंग 11 में कुछ चेंज होता है तो यशस्वी जायसवाल आ सकते हैं ओपनिंग करने के लिए, तो स्टीवन स्मिथ आएंगे 3 नंबर पे, तो आप उसको नंबर्स जो बैटिंग ओपनिंग का जो नंबर्स है वो आप देखना। प्लेइंग 11 जब क्लियर होगी जैसे टॉस होगा उसके बाद प्लेइंग 11 आएगी और जो भी प्लेइंग 11 में आपको प्लेयर्स दिखेंगे उसके हिसाब से आप टीम आपकी एडिट करके रख देना। बॉलिंग की तरफ अगर जाए तो हम लोग देखते मतलब जितना बेस्ट अगर ऑप्शन है बॉलर में तो मेरे हिसाब से एक ही बॉलर जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करता है वो जोफ्रा आर्चर एंड सपोर्ट में आपको राहुल टिवाटिया एंड श्रेयस गोपाल को आप रख सकते हो। टॉम करन भी आपके साथ में टीम में आप रख सकते हो, बट उसका क्रेडिट स्कोर जैसे मैनेज हो जाएगा उसके हिसाब से आप रख लेना। मुंबई इंडियंस की तरफ से देखा जाए तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक एंड सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। रोहित शर्मा एक मैच में चले अभी ऐसा सीन हुआ है, अभी लक बाय चांस आज के मैच में चल जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। क्विंटन डिकॉक काफ़ी फर्स्ट मैच में चले थे, उसके लगातार 3 मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं करे थे, लास्ट मैच में उन्होंने 67 रन कर दिए। एंड सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस एवरेज है, ज़्यादा देर टिके रहे अगर पिच पे तो 30-40 रन मार के चले जाते, वो आपके लिए 3 मेन जो प्लेयर्स है आपके टीम में अलग अलग आप सफल करके डाल सकते हो। सूर्य कुमार यादव की बात करने के बाद हम लोग आते हैं ईशान किशन, बेस्ट प्लेयर है ओपनिंग, आपको जो 4 नंबर बैटिंग करने के लिए आते हैं, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी अगर आउट होता है या फिर जल्दी विकेट्स गिरते हैं तो ईशान किशन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट कैप्टनसी के तौर पे या फिर वाइस कैप्टन में आप इसको डाल सकते हो। ये है
31 रन 28 और 99 का स्कोर आपने अगर लास्ट के रिकॉर्ड आईपीएल के अभी ये मैच के सीन के अगर देखेंगे तो। एंड एक मस्ट पी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग की प्लेयर कैरन पोलार्ड, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। हाँ खास करके अभी बॉलिंग में उनको विकेट नहीं मिले बट बैटिंग से अपना उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है जिसका जिनका अभी तक का रिकॉर्ड है जो भी अभी मैच का नॉट आउट रहे 25 उसके बाद 47 66 13 नॉट आउट रन किए हुए उन्होंने मुंबई इंडियन की तरफ से। तो आप इस प्लेयर को छोड़ना मत। हार्दिक पांड्या को अगर बात करेंगे, हार्दिक पांड्या बॉलिंग अभी करा नहीं रहे हैं हार्दिक पांड्या से बॉलिंग, अगर जिस दिन बॉलिंग करने के लिए उतारेंगे तो आप 100% उनको रखना अपनी टीम में और एक टीम में वाइस कैप्टन बना के छोड़ देना। फिलहाल के लिए अभी आपको हार्दिक पांड्या सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपको अगर कोई भी जेल की टीम आप बना दे तो सपोर्ट के लिए आप हार्दिक पांड्या को रख देना, कोई इशू नहीं है उसमें। कुणाल पांड्या का परफॉर्मेंस काफ़ी मैचेस से इतना खास नहीं रहा था, लास्ट मैच में सिर्फ उन्होंने विकेट लिया, बट चार बेस्ट बॉलर है मुंबई इंडियन की तरफ से जिसको आपको आपकी टीम में सफल करके अलग अलग टीम में आप उन चारों को ऐड करके रख देना। एक तो है राहुल चहर, उसके बाद पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट, ठीक है ये तीन चार बॉलर से आपकी टीम में होने ही चाहिए चार बॉलर। उसके बाद आपके आपको अगर डिफरेंशियल बॉलर में अगर कोई पांचवा बॉलर चाहिए तो कैरन पोलार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ये चीज़ में आपके अभी चार के चार बॉलर्स आप नहीं ले पाओगे तो उसके लिए आपको अलग अलग टीम में अलग अलग बॉलर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप एक टीम में राहुल चहर पैटिनसन को रख लेना, एक टीम में आप बोल्ट को और बुमराह को रख लेना और आर्चर को रख लेना, ऐसे आप कर सकते हो। ये सारा रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल के मैच का, जिस तरीके से अभी मैचेस हो रहे और जिस तरीके से टीम परफॉर्मेंस कर रही है तो स्टार्टिंग में जो पावर प्ले में विकेट गिरता है तो आगे जो थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे जो भी प्लेइंग 11 में जो भी प्लेयर्स आते हैं बैटिंग करने के लिए तो वो कंसिस्टेंसी दिखाते रहते हैं, फिर जल्दी विकेट निकल जाते हैं। अभी कल का जो भी मैच हुआ आरसीबी का, जैसे कल ऑल आउट हो गई टीम, इस तरीके से भी सीन होते हैं। तो आप पूरा कैलकुलेशन करके नहीं चल सकते कि ये टीम चलेगी एंड उसके बाद वो चेस करने में 100 रन बनाएंगे। हो सकता है रोहित शर्मा आज सेंचुरी भी मार जाए या फिर जॉस बटलर आज सेंचुरी मारे या फिर 50 रन करे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कुमार यादव भी कुछ। तो प्रेडिक्शन 100% किसी का सही नहीं हो सकता, सिर्फ आपको क्या करना है कि 10 टीम फॉर्म करनी है, 10 टीम में आपके जो की प्लेयर्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, फिर से एक बार बताता हूँ नोट करके रखना, आपको जो जो प्लेयर लेने आप सिर्फ उसको शफल करते रहना। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, कैरन पोलार्ड, ईशान शर्मा, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो आरआर की तरफ से जॉस बटलर, संजू सैमसन, राहुल टिवाटिया एंड जोफ्रा आर्चर। बैटिंग बॉलिंग का अगर मुंबई इंडियन की तरफ से जाए तो चार बॉलर आपको मैंने बताए थे, राहुल चहर, पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह एंड बोल्ट। ये चारों में से आप किसी को भी अल्टी पल्टी किसी भी टीम में आप चेंज करके एक्सचेंज करके आपकी टीम क्रिएट करना, 4-7 वाला कॉम्बिनेशन कर सकते हो या फिर 4-5-5-6 वाला कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करना। बट जीएल की टीम जब बनाते हो तो एक टीम जीएल की टीम में आप कैरन पोलार्ड को कैप्टन कर देना, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी जो ब्लाइंड जीएल कैप्टन है आप जैसे भी बना सकते हो, तो जॉस बटलर को आप एक टीम में कैप्टन बना दो, एक टीम में आप रोहित शर्मा को आप कैप्टन बना दो, संजू सैमसन को आप कैप्टन बना सकते हो, ईशान किशन को कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अभी 10 टीम फॉर्म करोगे तो अलग अलग प्लेयर को आप कैप्टन वाइज कैप्टन बना के रख सकते हो। बाकी जो भी रन जैसे टॉस होगा और जो सेकंड इनिंग बैटिंग करेगा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा उसके हिसाब से आपने कैप्टन वाइज कैप्टन शफल करो। ज़्यादा से ज़्यादा जीएल स्मॉल लीग हेड टू हेड में अपनी टीम लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा विन करो। उसके लिए आपको करना यही होता है कि आप जाओ एमपीएल के एप्लीकेशन पे, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फैंटेसी में जाओ, फैंटेसी में अपनी टीम क्रिएट करो, अपनी टीम क्रिएट करके अपनी टीम कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करो, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, बहुत सारे ढेर सारे कॉन्टेस्ट है, आप जाओगे वहाँ पे खेलोगे तो आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग करने के आपके चांसेस होते हैं और आपके जो भी कैश आप इन्वेस्ट करते हो रिवर्स आने के आपके चांसेस ज़्यादा बनते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो गाइज लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।